मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान बस एसोसिएशन के बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए निजी बसों का चक्का जाम रहा। इस दौरान बस संचालकों ने बस स्टैंड पर इकट्ठे होकर धरना दिया। कोरोना महामारी के चलते बसें बंद रहने से एक वर्ष के लिए बसों की टैक्स माफी व डीजल टायर पार्ट्स के दरों में अत्यधिक वृद्धि होने से 50% किराया बढ़ा दिया गया। ऐसे में बस मालिकों ने कानून में संशोधन करने की सरकार से पुरजोर मांग की व सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया। हमारे टैक्स माफी और कुछ हमारी जो मांगे हैं बसों की, पूरे प्रदेश स्तर पर राजस्थान प्रदेश एसोसिएशन के आह्वान पर प्रतापगढ़ की सभी बसें बंद रखी गई, एक भी बस का पहिया नहीं घुमा। हमारी मुख्य मांग है सरकार, लॉकडाउन में हमारी बसें खड़ी रही और वर्तमान में भी बसें संपूर्ण रूप से नहीं चल पा रही हैं, सवारी भाव का भार के कम होने से एक वर्ष का हमारा टैक्स माफ किया जाए। दूसरी, पिछले 1.5 साल में 40 से 50% टायर डीजल और अन्य रखरखाव के बसों के खर्चे बढ़े हैं और सरकार द्वारा कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। हमारी कम से कम 50% किराए में वृद्धि की जाए, दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी मांग ये, अगर यात्री भार नहीं होता है और अब बस मालिक अगर अपनी मोटर नहीं चलाना चाहे तो हमारे जो RC सिलेंडर का प्रावधान है उसको विदाउट कंडीशनल, बगैर शर्त, मोटर मालिक की स्वेच्छा के आधार पर उसको RC सिलेंडर की जाए। डीडवाना अंबेडकर सभा भवन में छात्र संघ संगठन डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की मीटिंग जिला अध्यक्ष तनवीर कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिला सचिव पद पर रामदेव हालू, इंद्र मेघवाल जिला महासचिव, गजेंद्र दुगरिया जिला संयुक्त सचिव, दिलीप रेगर नावा तहसील प्रभारी, बलवीर मेघवाल नावा तहसील अध्यक्ष, परमेश्वर लाडपुरा तहसील अध्यक्ष मकराना, सुजाराम मेघवाल तहसील अध्यक्ष डेगाना, शैलेंद्र कुमार तहसील संयुक्त सचिव डीडवाना, तेजपाल मेघवाल तहसील उपाध्यक्ष डीडवाना, राजेश मेघवाल को डीडवाना उपाध्यक्ष बनाया गया। किशनगढ़ रेनवाल के निकटवर्ती गांव मलिकपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र टुटेजा ने अपना जन्म दिवस अनोखे अंदाज में मनाया। प्रधानाचार्य जितेंद्र टुटेजा ने अपने जन्मदिन पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर स्वयं के खर्चे पर ट्री गार्ड लगवाए। इसके बाद उन्होंने स्टाफ के लोगों से सूत की माला पहनी व एक बालिका से तिलक करवा कर उसे पढ़ाई के लिए 1100 रुपए राशि भेंट की। जोधपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती मरीज को कैंसर होने के कारण उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। मरीज के लिए ब्लड की जरूरत थी, जानकर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बासनी थाना के सांगरिया पुलिस चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर भीम सिंह बिश्नोई ने रक्तदान कर मरीज की जान बचाई। भीम सिंह बिश्नोई को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ब्लड की आवश्यकता की सूचना मिली। ऐसे में उन्होंने अपनी ड्यूटी के समय में ही रक्तदान के लिए अस्पताल पहुंचे व रक्तदान किया। समय पर ब्लड मिलने से मरीज की जान बच गई। मरीज के परिजनों ने सब इंस्पेक्टर भीम सिंह बिश्नोई और जोधपुर पुलिस का समय पर मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लाखेश्वर मंडल की कार्य समिति बैठक मुंगाणा में संपन्न हुई। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी हार्दिक अरुण शोरिया ने बताया कि लाखेश्वर मंडल की कार्य समिति बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। लाखेश्वर मंडल कार्य समिति बैठक में विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चाएं हुई व प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। आगामी विधानसभा उपचुनाव से पूर्व संगठनात्मक दृष्टि से क्षेत्र में और मजबूती के साथ भाजपा के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के विषय पर चर्चा हुई। उपचुनाव से पूर्व प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाकर सशक्त मंडल बनाने के निर्देश भाजपा जिला अध्यक्ष ने दिए। कार्य समिति बैठक में किसान मोर्चा द्वारा प्रस्तावित निंदा प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। इस दौरान सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर जयपुर से है, जहां सांगानेर विधानसभा के विधायक अशोक लाहोटी ने वार्ड नंबर 67 का दौरा किया। विधायक लाहोटी ने अजमेर रोड पर अलग अलग स्थानों पर पानी भरने की समस्या को देखते हुए JDA के डायरेक्टर व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि बारिश की वजह से आसपास की कॉलोनियों में जगह जगह पानी भर जाता है, ये पानी लोगों के घरों में भी भर जाता है। इस विषय पर पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। जोधपुर ग्रामीण थाना असोप पुलिस ने अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना असोप में 16 जुलाई को नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले मुलजिमानों को थानाधिकारी असोप व ग्रामीण स्पेशल टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि असोप में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के दौरान बताया
कि तीन लड़कों ने उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के पश्चात वापस लाकर उसकी नानी के घर के बाहर धक्का देकर छोड़ गए। यहां तक कि आरोपियों ने वापस जाते वक्त उसके रिश्ते के नाना को गाड़ी से टक्कर मारकर कुचल दिया व मामा और मामी के साथ भी मारपीट की। उक्त मामले को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए मामले के तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।